गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे अपना जो लेसन है साये यहाँ तक हुआ था बेटे, यहाँ तक। अब यहाँ से स्टार्ट करना है बेटे। हाँ देखो, तो इन लोगों को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, एक अच्छा रिश्ता मिल गया तनु के लिए। शादी की तिथि निश्चित हो गई। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय पर पहुंच रहा है, गहने कपड़े सब बनवाकर वहां साथ लाएगा, लेकिन शादी के समय वह चाह कर भी पहुंच नहीं पाया। तो नैरोबी, ये लोग चिट्ठी लिखते, शादी की तिथि यानी डेट जो है फिक्स हो गया, तो बोले ना बेटे उन्होंने भी वहां से आना ना, टाइम लगता, तो उनको डेट लिखते, सब कुछ लिखते, रिश्ता कैसा है, लड़का क्या करता, सब कुछ लिखते। लिखने के बाद उन्होंने भी खुश होते, कहते कि कपड़े गहने सब कुछ मैं यहीं से लेके आऊंगा, शादी के टाइम तक पहुंच जाऊंगा, बोल के लिखते। फिर उसके बाद एक 10 दिन 15 दिन के बाद फिर से एक चिट्ठी आती। क्या बोल के आती, बोले दो मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं शादी के टाइम पे नहीं आ सकूंगा। रीजन क्या है देखो, चाह कर भी, चाहते हैं लड़की की शादी में आना, किसको नहीं पसंद बेटे, मगर चाह कर भी नहीं आ सक रहे वो। विवशताओं से भरा लंबा पत्र आया कि इस बीच जो एक नया कारोबार शुरू किया है उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है, ऐसे संकट के समय में यह सब छोड़कर वह कैसे आ सकता है। तो इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया ना बेटे, तो इनके कंपनी के जो मजदूर है, वर्कर्स जो है, वो लोग स्ट्राइक करने लगे, हड़ताल करने लगे। तो वो टाइम पे देश छोड़ के फिर वापस, देश छोड़ के बाहर जाना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि बहुत परेशानी होती, यहाँ पे मेरे एब्सेंस में वो लोग कुछ कर बैठे तो फिर मुश्किल होता। तो यही रीजन है मैं नहीं आ पा रहा हूँ। हाँ, गहने कपड़े और रुपये भिजवा दिए हैं, वर वधु के चित्र उसे अवश्य भेजे, वह प्रतीक्षा करेगा। तो लिखते चिट्ठी में कि ये रीजन है मेरे ना आने का, मगर शादी की तिथि जो है पोस्टपोन मत करो, टाइम पे शादी कर दो, मैं नहीं आ रहा हूँ बोल के रोको मत, शादी तो होने दो, और कपड़े गहने पैसे सब कुछ मैं यहाँ से भेज चुका हूँ, तुम लोगों को इन टाइम आ जाएंगे, बोल के लिखते हैं। और शादी के जो चित्र है, जो फोटोज है, वो मुझे जरूर भेजना, मैं देखना चाहता हूँ वर कैसा है, दूल्हा कैसा है। खैर, ब्याह हो गया धूमधाम के साथ, विवाह के सारे चित्र भी भेज दिए। अर्जुन ने इस वर्ष कई इनाम जीते, हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में सर्वप्रथम रहा। तो खैर, ब्याह तो हो गया, शादी तो बहुत धूमधाम से हो गया, क्योंकि पैसे है तो सब कुछ होता ना बेटे, पैसे वहां से आ रहे, शादी भी यहाँ पे बहुत धूमधाम से हो गई थी। और उसके बाद अज्जू ने इस वर्ष जो है बहुत से इनाम जीते, बहुत से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में इसने बहुत सारे इनाम जीते, सर्टिफिकेट्स जीते, मेडल्स जीते। हाई स्कूल की परीक्षा में, हाई स्कूल यानी टेंथ क्लास की परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में जिले में सर्वप्रथम आया, डिस्ट्रिक्ट लेवल में टॉप कराओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्कूल लेवल में नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में टॉप कराओ, खेलों में भी पहला, स्पोर्ट्स में भी टॉप कराओ। हाँ, बहुत से सर्टिफिकेट्स मिले, वजीफा मिला, स्कॉलरशिप मिला, बहुत से सर्टिफिकेट्स मिले, मेडल्स मिले, इनाम में मिली सारी वस्तुओं के फोटो वे पापा को भेजना ना भूला। तो शादी के फोटोज के पापा बोलते ना बेटे, शादी के फोटोज मेरे को भेजो बोल के, वो फोटोज के साथ क्या करता है, जो ये पूरे उसके इनाम जितने भी मिले उसके भी पूरे फोटोज निकाल के पापा को भेजता। बदले में कीमती कैमरा आया, गरम सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई और मर्म स्पर्शी लंबा पत्र आया। तो पापा वहाँ पे बहुत खुश हो जाते हैं अज्जू की तरक्की देखकर, बहुत खुश होके क्या करते बोलते, बेटे को एक कॉस्टली कैमरा भेजते वहां से और एक कपड़ा गरम सूट का सिलाने के लिए, सिलवा लो तुम्हारे साइज का बोल के एक अच्छा सा कपड़ा भेजते और एक रिस्ट वॉच भी भेजते है लड़के के लिए। तो लड़का भी बहुत खुश, उसके साथ एक मर्म स्पर्शी लंबा पत्र भी आया, मर्म स्पर्शी यानी दिल को छू लेने वाली एक चिट्ठी भी आई, लंबी चिट्ठी भी आई। हाँ, लिखा था कि वह बच्चों की उम्मीद पर ही तो जी रहा है, पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, बच्चे इसी तरह नाम रोशन करते रहे, उनके सहारे वह जिंदगी की डोर कुछ और लंबी खींच लेगा, यह सारा कारोबार सब उन्हीं के लिए तो है। तो दिल को छू लेने वाली चिट्ठी आई, क्या था बोले तो, मैं बच्चों की चेहरे देखकर, उनकी तरक्की देखकर, ये सब कुछ तो देख के मेरी जिंदगी गुजारा यहाँ पे, वहाँ पे तुम लोग पूरे हैं एटलीस्ट, यहाँ पे मैं अकेला हूँ, फिर भी तुम लोगों की वजह से मैं यहाँ पे इतना मेहनत कर रहा हूँ, समझना बात को। और यहाँ पे जो है बेटे, उन्होंने वहां पे है अकेले है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है बोलते, उन्होंने
माइंड जो है पीस रहता, सब कुछ कर सकते। अगर यहाँ पे कोई बीमार पड़ गया, कुछ टेंशन है तो उनको भी टेंशन लगता, काम सीधा नहीं होता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते। तो वही कहने लगे, अज्जू इतनी तरक्की पे तरक्की कर रहा और पत्नी से कहते कि तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक होने लगा, तो ये सब कुछ देख के ही तो मैं खुश होके यहाँ पे जिंदगी गुजार रहा हूँ। अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो जिंदगी की डोर जो है थोड़े और दिन मैं खींचता चला जाऊंगा, बोल के चिट्ठी में लिखते। पर अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव ना हो पाता, हर बार कुछ न कुछ अड़चने आ जाती है और उसका जाना स्थगित हो जाता है। तो लास्ट में लिखते हैं, हर बार जितने भी बार मैं प्रॉमिस करा कि आपके बार आऊंगा, आपके बार आऊंगा, लास्ट में बोलते कि शादी में आऊंगा, फिर भी नहीं आ सके। तो वो कहते के लिखे चिट्ठी में, हर बार जब भी मैं आने की कोशिश कराना, कुछ न कुछ अड़चने, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आके स्थगित हो गया, मेरा आना स्थगित हो गया, रुक गया, आना स्टॉप हो गया, नहीं तो आने ही वाला था। पांव पर पंख बांधकर समय उड़ता रहा आबाद गति से, तो टाइम बहुत बीतता गया बेटे, इतने साल हो गए। सोचो बच्चे जब छोटे थे तब गए थे, बच्चे की शादी भी हो गई, अज्जू हाई स्कूल भी पास करा, हाँ 15 इयर्स हो गया हाई स्कूल में, तो 15 इयर्स ना बेटे, 15 इयर्स का भी हो गया। तो ऐसा इतने साल हो गए, चिट्ठी पत्र ही चलता रहा मगर वो एक बार भी वापस नहीं आए थे। तो बच्चों आज यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।